हार मान गए? मैं तो अभी भी तैयार हुई हूँ। कम ऑन, एक और राउंड हो जाए। नहीं, नहीं। आजा शुरू हो जाए। छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं। पांच मुक्के? नहीं, छोड़ दो। दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ जोड़ दो, हमें छोड़ दो। सबके सब नालायक हैं। अरे ले ले ले। उन बदमाशों ने तुम्हें बंद कर दिया। अब कोई फिक्र नहीं, मैं हूँ ना, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजा अजा। अरे क्या कर रहे हो? सो स्वीट। काम हो गया, अब आ जाओ। थैंक यू। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, रख लीजिए। आप भी रख लीजिए। थैंक यू। सेवा में हाजिर हैं। भूलना नहीं। ओके सर। जैकपॉट। हाय मिस, मैं आपको जानता हूँ, कोई शक नहीं, बखूबी जानता हूं आपको। कौन है आप? मेरा नाम है मैन, रिच मैन। मेरा नाम है मैन, रिच मैन। वाओ! आज से तुम सब मुझे इसी नाम से पुकारोगे, समझ गए? ओके रिच मैन। वेरी गुड। आज के लिए बस इतना ही। हे वांग, मैंने तुम्हें कितने बार बुलाया पर तूने सुना ही नहीं। क्या बैरी हो गई हो तुम? क्या अनाथ हो? हाँ, लेकिन तुम कैसे जान गए? मैं एक बहुत बड़ा अकलमंद डिटेक्टिव हूँ। तुम्हें यहाँ कोई कुछ कहे तो मुझे बता देना। क्यों रिच मैन? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए। ओके दोस्त। तुम हंसती हो तो बहुत चब्बी दिखती हो। छोड़ो ना। मुझे दो, मुझे भी दो। मेरी बारी। तुम लोगों में से इससे लॉलीपॉप किसने छीन लिया? लॉलीपॉप मैंने छीना। ये पूछने वाला तू कौन है? सब पीछे हट जाओ। मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ? अभी दिखाता हूँ। लका 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 Yeah.
तुमने मुझे लड़ने क्यों नहीं दिया? ऐसे छछंदर को मारने के लिए तुम जैसे फाइटर की क्या जरूरत है, इसलिए मैंने ही निपट लिया। चालू चालू। अरे ये क्या है? मुझे भी दिखाओ ना। हाँ यही है, इसी ने मुझे मारा। नहीं मैंने मारा था। इसने नहीं, इसने मुझे मारा, उड़ उड़ के मारा, मेरे गंजे सिर पे मारा। वोंग ये कह रहा है कि तुमने अकेले इन सबको मारा, क्या ये सच है? अगली बार जब तुम फाइट करोगी तो ये नकाब पहन लेना, किसी को पता नहीं चलेगा कि मारने वाला कौन है। कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। ओह तुम चालू। मैं चलता हूँ चालू। बाय 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 बाय। वांग मेरी बात याद रखना, अगली बार जब तुम फाइट करोगी तो ये नकाब पहनना मत भूलना, ठीक है? अभी मुझे याद आया, आप तो लुलू वांग है ना, पोलार सिटी की मशहूर हस्ती, करोड़ों की जायदाद की मलिका होने के साथ साथ अनगिनत चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने वाली एक आदर्श महिला। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पास मेरी पूरी कुंडली है। और ये मेरा परिचय, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फोर्स। ये पोस्ट बदल जाएगी, कुछ ही दिनों में प्रमोशन मिलने वाला है मुझे। इस वक्त मैं ड्यूटी पर ज्वाइन होने के लिए पोलार सिटी जा रहा हूँ, वहां मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस सिल्वर हॉक की गिरफ्तारी। सचमुच? जुल्म से लड़ने वाले सिल्वर हॉक को आप पकड़ना चाहते हैं? आप उसे गलत समझ रही हैं। वो खुद को महायोद्धा मानती है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के नाक में दम करके रखा है। अब मैं आ गया हूं ना, मैं उसे गिरफ्तार करके कानून के पंजे में जकड़ लूंगा। आप उसे गिरफ्तार करेंगे? कोई शक नहीं, बुरा वक्त शुरू हो गया है उसके लिए। आपको यकीन है कि वो आपकी मुट्ठी में फंस जाएगी? मैं जो कहता हूं वो करता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी आया। ओह, इज्जत का फलूदा निकाल दिया। चलो अभी तक नहीं बदला। हाय एवरीबॉडी, हाय, स्वीट गर्ल्स, थैंक यू, थैंक यू। अब आप आ गए। ओके। तुम्हारी चांदी चांदी। एक मिनट है। हेलो मिस वांग। जी। आप मेरे साथ चलेंगी? पुलिस वान है, लिफ्ट देता हूँ। मेरे पास गाड़ी है, थैंक यू। प्लीज। थैंक्स। हेलो, आपके पास फोन है? आपको मेरा फोन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आई मीन आपका फोन नंबर। आप अपना फोन दीजिए। ओह श्योर। रुको आता हूं, रुको ना। थैंक यू। एक मिनट, अगर आप बुरा ना माने तो कल रात हम दोनों कहीं डिनर पर जाएं? क्यों नहीं, अगर आप मुझे पहचान सके तो। चलो। ए रुको आता हूँ। वेलकम मैडम। हेलो आंटी। हाय वॉन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ओफो, देखो अपने आप को, कितनी कमजोर हो गई हो। हाँ,
जब मेरे भैया ने तुझे गोद लिया था तो तू कितनी गोल मटोल थी। अगर वो तुम्हें अब देखते तो दुखी हो जाते। उनकी मौत से मैं फिर से अनाथ हो गई हूँ। हाँ वांग, मैं तेरी पसंदीदा चॉकलेट लेके आई हूँ। आप अभी तक मुझे बच्ची समझती हैं। अंदर आओ, चॉकलेट। थैंक यू। ये कौन है तुम नहीं जानते हो ना? ये शहर के जाने माने साइंटिस्ट हैं, मिस्टर पू चेंग। नहीं, प्रोफेसर पू चेंग। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं चलती हूँ, बहुत जरूरी काम है। वैसे भी दो जवान लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रह के भला क्या करेगी। रिसर्च करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, फिर से रिसर्च करता हूँ, उसके बाद और भी पढ़ाई करता हूँ। और आप? सब कुछ करती हूँ, पढ़ाई और रिसर्च के अलावा। वैसे आप मुझे कम मत समझिए, चंद दिनों में मुझे बेस्ट टेक्निकल साइंटिस्ट का अवार्ड मिलने वाला है, मिस वांग। कंग्रेट्स, चाय लीजिएगा। थैंक यू। हेलो बॉस, उस सुपरिटेंडेंट रिच मैन का फोन मैंने टैप किया है। सुन लो। सो नेशनल बैंक के पास माफिया डीलिंग हो रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पर। फुल फोर्स, चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। चलते कहाँ? वो फिल्म देखने चलते हैं। गुड, मैं चेंज करके आती हूँ। महायोद्धा समझती हो और दावा करती हो कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। देखा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। यू आर अंडर अरेस्ट। ए, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। हद उठा रही हो, लेकिन अब मैं अपना कमाल दिखाता हूं तुम्हें।
मैंने अभी स्टार्ट नहीं कहा। बिल्कुल सही, मेरे बॉस ने कहा था कि आपको ड्रेस चेंज करने में 4 घंटे लगते हैं। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं प्रोफेसर पो चेंग का असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम है किड। प्रोफेसर ने एक बहुत ही खास एग्जीबिशन अरेंज की है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आपको जरूर आना है, इसलिए मैं आपको लेने के लिए यहाँ आया हूँ। हाय, एक मिनट, मैं अभी आया। यस सर। यस सर। डोंट मूव। अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते, इस तरह मुड़ो। कम ऑन। तुमने क्या समझा मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगा? आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। ए, उस दिन एयरपोर्ट पर तुमने मेरी नाक को छूकर चालू ना कहा होता तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता। तुम्हें पहचाने बिना ही मैं तुम्हारे दोस्त बन के रहता। कितनी बड़ी हो गई हो। चलो गले मिले यार। एक्सक्यूज मी, थोड़ा दूर हटेंगे। रिचमैन सुपरिटेंडेंट, ये सब क्या है सर? यहाँ आप लड़कियों से गले मिलने के लिए आए हैं या मेरे बॉस को सिक्योरिटी देने के लिए आए हैं? मेरी बात छोड़ो, तुम कौन हो? किड, प्रोफेसर पो चेंग का असिस्टेंट। सिर्फ इतना ही नहीं, महायोद्धा सिल्वर हॉक फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। कल आप उन्हें नहीं पकड़ पाए थे ना, वैसे बिजली के खंभे पे आपको लटकते हुए कैसा लगा था? कम से कम मेरे बॉस को सही ढंग से सिक्योरिटी देना, समझ गए? टाइम हो गया, चलें। चलिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे एआई चिप होम एग्जीबिशन में आपका स्वागत है। हमारे प्रोफेसर पो चेंग इस चिप की खूबियों के बारे में आपको बताएंगे। आधुनिक विज्ञान का नूतन आविष्कार है ये एआई चिप। ये चिप आपकी जिंदगी को आरामदेह और खुशनुमा बनाने में मदद करेगी। आप में से कोई प्लीज स्टेज पर आइए। संकोच मत कीजिए, प्लीज आइए, प्लीज मैडम आइए। थैंक्स फॉर कमिंग। ये चिप आपकी हर जरूरतों को खुद ब खुद जानकर उन्हें पूरा कर देती है। ये आपकी मिस वांग, हाय, एक्सक्यूज मी प्लीज, सब मेरे दुश्मन हैं। मुझे खुशी हुई कि आप आ गईं। सच कह रही हैं? गुड इवनिंग मैडम, आप पिछले 48 दिनों से गर्भवती हैं। जानना चाहेंगी कि कोख में लड़का है या लड़की? ताज्जुब है, कल ही डॉक्टर से चेक कराया था। मैडम प्लीज उस चैम्बर में जाइए।
क्यों? आप कैसे जान गए मुझे प्यास लगी है? इंसानों की जरूरतों को पता लगाने की ताकत इस एआई चिप में है मैडम। उनमें से एक छोटा सा नमूना था ये। आसानी से बच्चा पैदा हो उसके लिए अभी से छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। ऐसा मत कहिए। अच्छी सेहत के लिए और बीमारियों को दूर रखने के लिए प्लीज आपको मेरा कहा मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगी। ये एक्सरसाइज जच्चा बच्चा दोनों के लिए फायदेमंद है। नो, मेरा विश्वास कीजिए। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। हर पल हर घड़ी ये चिप आपकी जरूरतों की याद दिलाती रहेगी। एक्सक्यूज मी, कह सकते हैं इससे और क्या क्या फायदे हैं? इसकी हर सलाह फायदेमंद होगी। क्या फायदेमंद है? इसका फैसला कौन करेगा बोलिए? एआई चिप या हम खुद? बेशक ये फैसला एआई चिप ही करेगी। डार्लिंग, डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? लेडी सेंट्रल, इसके साथ हम एग्जीबिशन खत्म करते हैं। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। मिस वॉन्ग, 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 एक्सक्यूज मी, वॉन्ग, प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरी खोज के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने दिमाग को चलाए बिना चिप के कहने के मुताबिक काम करना पड़ेगा, यही आपकी खोज है ना? यही मेरी चिप की खासियत है। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। कोई बात नहीं। तो बोलो वांग, अभी तक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करती हो? नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। वांग, ये गलत है। मुझे देखो, मैं उसमें चैंपियन बन गया हूँ। वाओ, मुझे तो जलन महसूस हो रही है। सुनने में आया वो सिल्वर हॉक ने तुम्हें बिजली के खंभे से लटका दिया था? वो सब मीडिया वालों की कहानी है ना? आज तुम मुझे अपना टेलीफोन नंबर दोगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं इंसान को अगली सदी की सहूलियत आज देना चाहता हूँ, उसके लिए है मेरा इन्वेंशन। वो मिस वॉन्ग को पसंद क्यों नहीं आया? आपकी इन्वेंशन में कोई खराबी नहीं है बॉस, दरअसल उसकी खासियत के बारे में लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं है। फिक्र मत कीजिए बॉस, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेके आता हूँ। ठीक है। हेलो, कौन हो तुम? प्रोफेसर को किसी ने पकड़ लिया है, उन्हें किडनैप करके ले जा रहे हैं, जल्दी आइए। हेलो कंट्रोल रूम, मैं रिचमैन बोल रहा हूँ। प्रोफेसर पोचेंग का किडनैप कर लिया, सभी चेक पोस्ट अलर्ट कर दो। मैं नहीं सुन रही हूँ ना, उसके हिसाब से सैटेलाइट को घुमा देना। ओके बॉस। वो इंसान के पास उत्तर दे तूने मुझे खोना समझा? उतरो नीचे, उसे मैं पकड़ूंगा। चलो अंदर।
मैं खुद ही अपना परिचय देता हूं। मैं हूं अलेक्जेंडर उल्फ, जो तुम्हारे इन्वेंशन की बहुत कद्र करता है। इंसानों के जज्बातों का डाटा तक जाहिर करने वाला तुम्हारा आविष्कार एआई चिप वाकई काबिल तारीफ है। आज यहां हुकूमत करने वालों के बारे में सोचो, सबके सब बेवकूफ हैं। करोड़ों मूर्ख मतदान करके एक महामूर्ख को चुनते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रजातंत्र। हमारी जनता के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, इसके मुताबिक काम करने वाले एक अच्छे लीडर की जरूरत है। तुम्हारी खोज की हुई चिप के जरिए दुनिया भर के लोगों के मन को काबू कर सकें तो एक ही आवाज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकती है, और वो आवाज मेरी होनी चाहिए। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं मुझसे? आपकी खोज की हुई एआई चिप को लाखों की तादाद में तैयार करके उन्हें इस तरह के फोन्स में लगाना होगा। आप मेरी खोज की हुई चिप को बुरे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये आपकी सोच है। नो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी खोज है लोगों की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा उन्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं। आप कुछ भी कीजिए, मैं ये काम नहीं करूंगा। ऊंची आवाज में बर्दाश्त नहीं करता। दूरसंचार के इतिहास में एक क्रांतिकारी पहल शिराइशी एंटरप्राइजेस पेश करते हैं SZ8000। आप जिससे भी संपर्क करेंगे, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस ब्लूटूथ फोन के जरिए आप उसे देख पाएंगे। एक रिस्ट वॉच की तरह आप इसे अपनी कलाई में बांध सकते हैं। पुलिस, मैं हूँ लेफ्टिनेंट शर्ली और हम मिस्टर सुरेशी से मिलने आए हैं। ओके, जरा इंतजार कीजिए। थैंक यू। हमारे प्रोफेसर साहब की एआई चिप कामयाब हो जाए तो उसके बाद आहा, हमारे मांगे बिना ही हमारी तमाम जरूरतें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। जबान चलाने वालों की बंद हो जाएंगी बोलती। तुम जैसों की है ना? ये तुम कर क्या रहे हो? मेरे और प्रोफेसर के संपर्क के लिए ये खास इंस्ट्रूमेंट है, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात है, लगे रहो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आप ही हैं ना लेफ्टिनेंट शर्ली? आई एम रियली सॉरी, मिस्टर शिराइशी एक खास मेहमान के साथ मीटिंग में हैं। उन्होंने कहा है कि वॉच किसी से नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? इतना खास मेहमान आखिर कौन? और कोई नहीं, वांग। मैं बताना भूल गई, आंटी आपको बहुत याद कर रही थी। ओह थैंक यू। वांग कह दिया सुन। हे वांग। हे रिच, तुम क्या कर रही? मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, आप हैं मेरे अंकल शिराइशी और आप हैं। मैं हूँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिचमैन। नाइस टू मीट यू। हेलो, मेरा नाम लेफ्टिनेंट शर्ली है, क्राइम ब्रांच। हेलो। और मैं किड। हाय। ओह आई एम सॉरी। हाय टीना। हाय डैड, आप लंच करने घर क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं बिजी हूं डियर। देखो कौन है मेरे साथ। हाय टीना। हे वॉन्ग, बहुत दिन हो गए तुम्हें देख के। आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। तो लंच के लिए वॉन्ग को घर भेज दीजिए ना। क्या करती हो वॉन्ग? श्योर, मैं अभी आ रही हूँ टीना। यू प्लीज कैरी ऑन, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। ओके बाय रिच। मिस्टर शिराइशी, हमें रिपोर्ट मिली है कि प्रोफेसर पोचैंग की रिसर्च पर आपकी कंपनी काफी इंटरेस्टेड थी। आपने सही सुना मिस्टर रिचमैन, प्रोफेसर की नई खोज में हमारी कंपनी वाकई इंटरेस्टेड है, पर उसे हासिल करने के लिए उन्हें किडनैप करें ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। मिस्टर शिराइशी, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। मैडम, उनसे बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। Ah!
प्रोफेसर को उन्होंने किडनैप किया था। अच्छा वही रहो वरना इसके खैर नहीं। सुरेशी ने क्राइम ब्रांच को इसमें इंटरफेयर करने के लिए मना किया है। मुझे नहीं लगता कि वो हमें सहयोग देंगे। टीना और प्रोफेसर को एक ही ग्रुप ने किडनैप किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन दोनों में क्या कनेक्शन है। शैली, सुरेशी को आने वाले सभी फोन को ट्रैक करना है। सुबह से यहाँ सभी इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं। किडनैपर्स की क्या डिमांड है कुछ पता चला? मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, बताओ यहाँ क्या हो रहा है। ए वोंग, क्या तुमने मुझसे कहा कि मार्शल आर्ट छोड़ दी, लेकिन अभी तक माहिर हो तुम उसमें। मैंने झूठ कहा था। अच्छा, शेरेशी को तुम कब से जानती हो? बचपन से, जब से मुझे अडॉप्ट किया गया। शेरेशी का किडनैपर के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? शेरेशी अंकल और मेरे पिताजी क्लोज फ्रेंड्स थे। बात यह है, पुलिस को इस तहकीकात से दूर रखने के लिए उन्होंने खास आदेश दिए हैं। क्या कहना चाहते हो? अगर वो किडनैपर को सहयोग दे रहे हैं तो वो क्यों और किस लिए, ये जानना चाहता हूँ मैं, और जानकर ही मैं चैन लूंगा। वांग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने जो नकाब दिया था वो अब भी तुम्हारे पास है? सॉरी, उसे तो मैंने बचपन में ही खो दिया। ओह, ये बता, तुम क्यों पुलिस ऑफिसर बन गए? तुम्हें शायद याद होगा, बचपन से ही मैं एक कानून का रखवाला बनना चाहता था। वही मेरी जिंदगी का मकसद था और आज एक पुलिस ऑफिसर बन गया। सच कहूं, तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी के लिए तुम्हें भी पुलिस में होना चाहिए। मैं और पुलिस ऑफिसर, मेरे बारे में तुम जानते ही हो ना, मैं हमेशा से आजाद पंछी हूँ। सही कहा। अच्छा ये बताओ, वो देखो तुम यहाँ क्यों आई? अंकल जा रहे हैं। Thank you.
ओ शिट। तुम ठीक हो ना? मेरे बेटी को कहां छुपा रखा है? तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो। मुझे पैसा नहीं, तुम्हारा सहयोग चाहिए। ये तो हमारा SG-8000 फोन है ना? नहीं, ये SG-9000 है। तुम्हारा 8000 आउटडेटेड हो गया है। तुम्हें प्रोफेसर पो चैंग की AI चिप चाहिए ना? वो मैं तुम्हें देता हूं, लो। टीना, टीना, मेरी बेटी को कुछ मत करो। तुम मेरे लिए फोन का प्रोडक्शन करोगे और पूरे कंट्रोल के साथ तुम्हारा सैटेलाइट भी चाहिए। यह सब तुरंत होना चाहिए। मुझे मंजूर है, तुम मेरी बेटी को कब रिहा करोगे? जैसे ही काम शुरू होगा। हाय किड, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कौन है पता लगा के मुझे मेल करो। ये तो कमाल हो गया, महायोद्धा सिल्वर हॉक का मेरी मदद चाहिए, मैं जरूर करूंगा। हाँ तो प्रोफेसर, कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। गुड, यही वो मैसेज है जो मेरी तरफ से ट्रांसमिट करना है। ये मैसेज सुनकर सबको मेरे काबू में आने के लिए कितने दिन लगेंगे? जिस तरह आप चाहते हैं वैसा काम पूरा करने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। इस प्रोसेस को स्पीड अप करने में बहुत खतरा है, उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। वही तो चाहता हूँ, जो कहा वो करो। तुम क्या कर रहे हो प्रोफेसर? स्पीड अप करने के लिए कहा, वही तो कर रहा हूं। इसकी प्रोग्रामिंग सही है या नहीं चेक करो। सब सही है सर। मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैसेज भेजने के लिए पासवर्ड के बदले ही अपनी आंखों का स्कैन यूज कर रहा है। ये SG-9000 चिप एक तकनीकी चमत्कार है। इसमें SG-8000 में दी गई सुविधाओं के अलावा एक ऐसी चिप जोड़ दी गई है जो आपके हर पल के ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कैलोरीज, ब्लड शुगर वगैरह का डेटा रिकॉर्ड करती है। और एक कमाल की बात यह है कि इस चिप को इस्तेमाल करने वाले को आम कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट या मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ती। अपने शरीर के किसी भी हिस्से या अपनी गाड़ी या अपने पास की दीवार को भी मॉनिटर बना सकते हैं। डेमोंस्ट्रेशन के लिए कौन आगे आएगा? प्लीज आइए। आपका नाम? एलन। डेट ऑफ बर्थ? 10/8/82। थैंक यू। इस नंबर पे कॉल कीजिए। okay. जाइए 7236411 2। हेलो मिस्टर एलन, मेरे साथ डिनर पे चलना पसंद करेंगे? जरूर चलूंगा। शाम के 7 बजे सिटी हॉल के पास मिलेंगे। मिस्टर एलन, शाम के 7 बजे आप फ्री नहीं हैं। आप अपना डिनर का प्रोग्राम 8 बजे के लिए मुलतवी कीजिए। आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल 215 है, ये नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। अगर आप चाहें तो आपका डाइट चार्ट प्रिपेयर कर देंगे। तो हम क्यों ना 8 बजे मिले? मैं जरूर आपका इंतजार करूंगी। थैंक्स। वो यहाँ मौजूद नहीं, फिर भी ये सब प्रोफेसर पो चैंग का ही आइडिया लग रहा है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, पहली बार तुमने अकलमंदी की बात की है। एक्सक्यूज मी मिस वॉन्ग, आई एम वेरी सॉरी, मिस्टर श्रेशी ने कहलवाया है कि वो आज किसी भी मेहमान को रिसीव नहीं करेंगे। व्हाट?
वो मिस वांग से भी नहीं मिल सकते। देखिए बहुत जरूरी काम है, आप उनसे एक बार सभी चैनल्स कवर किया है सर। ये काफी नहीं है, इसे तुम लोग प्रमोशन करते हो। पैसों की परवाह मत करो और भी बड़े पैमाने में प्रमोट करो। जी अच्छा। कॉम्प्लीमेंट फोन्स भेज दिए क्या? भेज दिए सर, देश भर के हमारे तमाम डीलर्स को कल ही भेज दिए। अंकल आपको क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है? वो जो हेलीकॉप्टर में था वो कौन है? वही किडनैपर है? उन सबको फौरन वहाँ से बाहर निकालो। ये राज किसी को भी बाहर मालूम नहीं पड़ना चाहिए। मैं आप ही से कह रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो कहना ही भूल गया। सारे कंप्यूटर चिप्स तुम्हारी फैक्ट्री में भेज दिए। SG-9000 का प्रोडक्शन फौरन शुरू हो जाना चाहिए। समझ गए? इन सबको बाहर जाने को कहो। ओके सर। जाओ भाई सब लोग जाओ, अभी कोई इंटरव्यू नहीं। चलो चलो जाओ जाओ। पहले कभी मैंने अंकल को इस तरह नहीं देखा। वहां उधर देखो। उनकी बेटी किडनैप की गई है, उसकी फिक्र छोड़कर ये महाशय अपने बिजनेस के प्रमोशन में लगे हुए हैं। दाल में जरूर कुछ काला है। Yes. इंक्वायरी पूरी हो गई? Yes, sir. मुजरिम को पकड़ा? अभी तक नहीं पकड़ा सर। फिर इतने दिनों से क्या कर रहे थे? मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मुजरिम को पकड़ो और जल्दी फाइल क्लोज करो। सो शायद तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए लड़ते वक्त उसे नहीं पहना। पहना था रिच मैन, लेकिन फाइट करते समय वो फट गया। ओहो, इसी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिली। अब कोई तुम्हें पहचान नहीं सकता। आगे फाइट करते वक्त कम से कम इसे तो पहना। हाय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्योर, नीचे बाद में इंतजार करो, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। नो 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 नो, तुम नहीं आओगी। क्यों नहीं, जरूर आऊंगी, बस दो मिनट। एक बियर दे दो। श्योर सर। महायोद्धा सिल्वर हॉक, मैं आपके किसी काम आ सकूं? ये मेरा सौभाग्य है। अनगिनत लोगों का डाटा ढूंढने के बाद आखिरकार उस आदमी को ढूंढने में मैं कामयाब हो गया हूं। उस आदमी का नाम है अलेक्जेंडर उल्फ।
कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका में बगावत के जरिए सत्ता हड़पने की कोशिश में वो नाकाम हुआ है। वहाँ से बच निकलने के दौरान एक विस्फोट में उसने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। कहा जाता है कि उसने अपने लिए लोहे के हाथ बनवा लिए हैं जो हाईटेक होने के साथ साथ पावरफुल भी हैं। ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये आदेश नहीं, आपके एक फैन की विनती है। ये वीडियो गेम। हे, तुम कहां चले? जहां तुम जा रहे हो। कोई जरूरत नहीं, बाहर निकलो। उतार के तो देखो। तू कैसे नहीं निकलेगा? दिखने में तो मच्छर लगता है लेकिन दम है इसमें। अब सोच क्या रहे हो, गाड़ी स्टार्ट करो। सिल्वर हॉक और वांग दोनों एक ही हैं। और कितने रूप हैं? टीना कहाँ है? टीना? टीना से तुम्हारा क्या संबंध है? और वैसे भी टीना के विषय में अगर मुझे कोई जवाब देना है तो शिराइशी को दूंगा, तुम्हें बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। टीना को मेरे हवाले कर दो। तुम औरत हो, इसी एक वजह से मैं अभी तक तुमसे इत्मीनान से बात कर रहा था। लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारा खेल खत्म करना ही होगा। गुड बाय।
क्या हुआ महायोद्धा, इतनी जल्दी थक गई? लोग बेकार में डरते हैं कि सिल्वर होक महायोद्धा है, वो अपने दुश्मनों को मारे बिना नहीं छोड़ती, पर मैं तो अभी अभी मूड में आया हूँ। मैं भी मूड में आ गई हूँ, कम ऑन। ओके, नहीं, उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं। नहीं, चल हट, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। तू चुप कर कि नहीं, नहीं बात मानिए, हिलना नहीं। कैसे आ गए? ये सब क्यों कर रही हो? क्यों खामखा अपने सर पर खतरा मोल लेने पर तुली हुई हो? आखिर तुम क्या हासिल करना चाहती हो? वांग, तुम अकेले ही इस दुनिया को सुधारना चाहती हो? सबसे पहले मुझे टीना को बचाना है। बकवास बंद, वो पुलिस का काम है, उसके लिए मैं मौजूद हूँ। इसमें दखल देने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारा क्या लगता है वो? ये पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जो काम तुम वर्दी पहनकर करते हो वो मैं बिना वर्दी के करती हूँ। जो भी हो, हम दोनों की जंग भले ही अलग हो लेकिन मकसद एक ही है। एक ही मकसद है? उसके लिए तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकती। जालिमों से लड़ने का शौक है तो पुलिस में भर्ती हो जाओ और लड़ो। ये छोड़कर अब बहाना बना रही हो? तुम अपनी तरफ से सैकड़ों सफाई दे सकती हो, अगर सब लोग तुम्हारी तरह अपनी अपनी मनमानी करने लगे तो लाशें गिरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। याद रहे, तुम कानून के आड़े नहीं आओगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुझे जो सही लगता है वो मैं करूंगी। जितना मुझसे हो सकता है मैं जुल्म को मिटाना चाहती हूँ। यही मेरी मंजिल है, मकसद है। ये मेरी जिंदगी है, इसमें रुकावट मत बनना। टीना को कैसे बचाना है मैं जानती हूँ। मेरी चेतावनी के बावजूद तुम मेरी बात ना मानी तो गिरफ्तार कर लूंगा। गिरफ्तार करोगे? लो कर लो। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो सुपरिंटेंडेंट रिचमैन? तुम्हें तो मिस वांग,
नहीं, महायोद्धा नहीं, सिल्वर हॉक। मेरा ईमेल आपको मिल गया? आपको जिसकी तलाश है उसका नाम है अलेक्जेंडर वुल्फ। आओ चलो, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, छोड़िए। आपको पता मैं किनसे बात कर रहा हूँ? मैं महायोद्धा से बात कर रहा हूँ, छोड़िए। चलना, मेरी बात सुन, चलो चलो। जी, पहले से ही सभी मुझे लड़ाकू कहते हैं, फिर भी आप मुझे कुंग फू क्यों सिखा रहे हैं? कुंग फू दूसरों से लड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मामूली कला नहीं है। इसे आत्मरक्षा के लिए भी और निर्बलों को बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छाई और बुराई हमारे इस्तेमाल पर निर्भर है। माचिस की तीली से दिया भी जला सकते हैं और दुनिया को भी जला सकते हैं। गुरु जी, दूसरों को मारना बुरी बात नहीं है क्या? सब कुछ हमारे मन की भावना पर निर्भर है। तुम झगड़ा मोल लो तो बुरी बात है, बुराई अगर सामने नजर आए तो उससे लड़ना भलाई है। निर्बलों की रक्षा के लिए लड़ना वीरता है, देश की रक्षा के लिए लड़ना फर्ज है। गुड मॉर्निंग। कल रात सोए नहीं क्या? पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया? मिल गया। रिचमैन, रिचमैन जागो, जागो, उठो उठो, मैंने पता लगा लिया। उठो, देखो, आजा, वो देखो। ये कौन सी भाषा है? ये एक तरह का कोड है जो प्रोफेसर और मैं ही जानते हैं। अब मैं इसे डिकोड कर सकता हूं। तो जल्दी करो ना। इसमें लिखा है अपने प्रोफेसर को अलेक्जेंडर वुल्फ ने अंडरग्राउंड में कैद कर रखा है। प्रोफेसर का आविष्कार एआई चिप SG9000 के जरिए वो मानव राशि के दिमाग पर काबू पाना चाहता है। दिमाग को काबू करने वाले उस मैसेज को सैटेलाइट के जरिए वो शनिवार को यानी इस महीने की 2 तारीख को शाम 3 बजे ट्रांसमिट करने वाला, ऐसा प्रोफेसर ने लिखा है। इससे वो फोन इस्तेमाल करने वाले सभी को खतरा है, उसे रोकने की चेतावनी दी है। आज ही 2 तारीख है। ए, प्रोफेसर पहुंचे कहां है? इसमें कुछ लिखा है? नहीं, अगर आप मुझे 2 घंटे का टाइम देंगे तो पता लगा लूंगा। 2 घंटे? हमारे पास वक्त नहीं है। शर्ली, तुम फॉरन अपनी टीम भेज दो। कहाँ भेजनी है? कहाँ? मैं बताता हूँ। नंबर 9 कंट्री रोड। ये मैसेज मुझे दिया है महायोद्धा सिल्वर हॉक ने। हाँ, वेरी गुड। शर्ली, यही लास्ट चांस है, ट्राई करके देखो। ओके, मैं अभी निकलती हूँ। यस, चलो चलते हैं। शुक्रिया महायोद्धा। अभी तक तो उन पे इल्जाम लगा रहे थे। ए, छोड़, तुझे तो। उसे हटाओ। और कितनी देर लगेगी? सैटेलाइट अपलिंकिंग में 5 मिनट लगेंगे, प्रोसेसिंग पूरी होने में और 15 मिनट लगेंगे। ठीक 3:15 बजे ट्रांसमिशन शुरू कर सकते हैं सर। आज मार्केट में कितने ऐसी 9000 फोन है पता है प्रोफेसर? करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा। ये नाइंसाफी है। ये तो शुरुआत का आंकड़ा है जो हर पल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारा काम
अभी पूरा नहीं हुआ। सर, सब कुछ तैयार है। वेरी गुड, शुरू करो। यस सर। तूने मुझसे चालाकी की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये तो कोई गोदाम है। तुम्हें यकीन है ये वही जगह है? हाँ यही जगह है। चले। ओके। वेरी गुड, जान जोखिम में डालकर हम इतनी दूर इन पुतलों को देखने आए हैं। शली, यहाँ से हम सब अलग अलग हो जाते हैं। मूव। महायोद्धा, आने में इतनी देर क्यों कर दी? देर आई दुरुस्त आई। तो एक एक हाथ हो जाए। ये क्या, उड़ उड़ के मार रही है सबको? नहीं बदली। ओ आने की। Thank you.
हुआ तो नहीं ना? नजर रखना, मैं अंडरग्राउंड का रास्ता खोजता हूं। ओके। सही वक्त पर आई हो। आज तुम्हारा किस्सा खत्म। श्योर। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। प्रोफेसर साहब उठिए। शाबाश, बहादुरों से लड़ना मुझे अच्छा लगता है। मुझे जीतना अच्छा लगता है। अब देखना। प्रोफेसर, प्रोफेसर जाग जाओ। प्रोफेसर, ट्रांसमिशन को रोकना होगा। मैं ट्रांसमिशन को रोक नहीं सकता। उल्फ की आंखों का स्कैन करना होगा। उसे मास्टर सिस्टम के सामने लाना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बारी। ओके।
हमेशा मेरी बात सुन सकती हो, अब भी सुन रही हो ना? वो जवाब दो, मैं किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी खाते तुम्हें आना ही पड़ेगा। हमदर्दी ही तेरी कमजोरी है। Oh!
तुमने उसे क्यों मारा? ये आपको गिरफ्तार कर लेगा। ओ। अब क्या करेंगी? मैं बच के निकल दूंगा। पहले ही मैंने इतना बड़ा केस उलझा दिया है मैंने। अब उस सिल्वर हॉक को गिरफ्तार करूं या ना करूं, फिलहाल यही उलझन है मेरे मन में। सिल्वर हॉक ने ही तुम्हें बचाया, फिर भी तुम उसे गिरफ्तार करने की सोच रहे हो? वैसे सिल्वर हॉक को पहली बार नकाब मना ही बनाया था, इसलिए उसे गिरफ्तार करने का मन नहीं करता। ठीक है, वो भी क्या याद करेगी। ओह सॉरी, हेलो, ओके ठीक है, मैं भी पहुंचता हूं। सॉरी, कुछ जरूरी काम आ गया, मुझे जाना होगा, ऑफिशियल ड्यूटी। सिल्वर हॉक से कहना कि डिनर पे मिलेंगे। ओके लगा। तुम वाकई महायोद्धा हो।